अच्छा जी, सबसे पहला काम आपने सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए आपने टॉप से मेजर किया, बॉटम से मेजर किया, सेंटर मार्क किया, लाइन ड्रॉ कर दी, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू, आपने टॉप से मेजर किया और मैंने यहां पर स्केल को इस तरीके से रखा और यहां से मेजर करके मैंने मार्जिन लाइन के लिए डॉट लगा दिया। 1 सेंटीमीटर का मैंने मार्जिन दिया है यहाँ पे, सही जी, 1 सेंटीमीटर का मार्जिन दिया है। मार्जिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी आपने प्रिंट आउट पे 1 सेंटीमीटर का, अगर इसी तरह का आ रहा है तो 1 सेंटीमीटर, वो डिपेंड करता है आपने कितना आर्टवर्क को ऊपर लेके जाना है, कितना नीचे लेके आना है फेस को। मार्जिन लाइन इसलिए दी जाती है जी, मार्जिन लाइन जो हम दे रहे होते हैं वो मार्जिन लाइन इसीलिए है कि ये जो स्पेस है ये हमने कितनी रखनी है पेपर के ऊपर। आपने यहां से मेजर किया, 1 सेंटीमीटर डॉट लगाया लेफ्ट से, और राइट से मेजर किया, डॉट मार्क किया, और उसके बाद आपने लाइन, दोनों डॉट्स को मैच करके लाइन ड्रॉ कर दी, तो आपके पास एक टी बन जाएगा, सही है जी। स्टेप नंबर टू हो जाएगा कंप्लीट, डन। अच्छा, अब स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री में आपने सेंटर लाइन को बेस करना है, आइदर आप 12 पे इसको एडजस्ट कर लें या 14 पे एडजस्ट कर लें ताकि स्केल के पूरा प्रॉपर सेंटर में रहे। अब मैंने जैसे 14 पे एडजस्ट किया, सही है, और लाइन पे नहीं, किसी लाइन पे नहीं, बॉक्स के सेंटर में देखिएगा डॉट्स मेरे बने हुए हैं। तो आपने भी बॉक्स के सेंटर में आप बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने 14 पे सेंटर लाइन को एडजस्ट किया, ये वाली लाइन को 14 के बाद आपने 2 सेंटीमीटर की हमने ग्रिड बनानी है, तो 2 सेंटीमीटर का ग्रिड जो बनानी है, हम 14 से 2 सेंटीमीटर लेफ्ट हो जाएंगे, 16, 18, 20, 22, ठीक है, और फिर 14 से 12, 10, 8, 6, ओके। अच्छा, ग्रिड हमें उस एरिया में चाहिए जिस एरिया में आपका फेस आ रहा है, ओके। यहां तक क्लियर है ना, हमने टॉप से किया, अब हम बॉटम से करेंगे यही चीज, यही काम हम बॉटम से करेंगे। हमने 14 पे एडजस्ट किया स्केल को और मैंने मार्क कर दिए 16, 18, 20, 22, 12, 10, 8, 6, 4, 6, 6 तक रहेंगे हम, क्योंकि 6 के बाद लाइन हमें चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो है ना, आपका आपका कान खत्म हो रहा है और यहाँ पे इसके बाद हमें लाइन चाहिए नहीं, तो हम या इसके बाद ग्रिड नहीं बनाएंगे। अब हमारे कितने कॉलम्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कॉलम्स हो जाएंगे। फिर हम अपने आर्टवर्क को, कि जो हमने स्टेप टू किया हुआ था उसको, जो अच्छा हमने जो मार्जिन लाइन दी थी उसको बेस करना है, बेस बनाना है, सही है जी। मार्जिन लाइन पे मैंने एडजस्ट किया और 2 सेंटीमीटर अगेन, अगर मैं इसको 2 पे एडजस्ट कर देता हूँ बेस लाइन को, तो हमारा 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26 के बाद खत्म है, राइट। अब इसी तरीके से हम राइट राइट पे हो जाएंगे, राइट पे भी 2 पे एडजस्ट किया स्केल को जी, 2 पे स्केल को एडजस्ट किया, मार्जिन लाइन को, मार्जिन लाइन 2 पे है, देखिए ये वाली जो मार्जिन लाइन मैंने ड्रॉ की थी स्टेप नंबर 2, वो 2 पे मैंने एडजस्ट किया हुआ। 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 डॉट्स को मैच करके लाइंस ड्रॉ कर देनी है आपने, स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने नंबरिंग देनी है, ऑल कॉर्नर्स विल बी जीरो, देखें ये कॉर्नर जीरो हुआ हुआ है, ये वाला कॉर्नर जीरो हुआ हुआ है, ये कॉर्नर जीरो है, ये कॉर्नर जीरो है, सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां से भी 11 तक आ गए, 11 रॉज हैं, 8 कॉलम्स हैं, सही है जी। अच्छा, अब उसके बाद आती है डिटेलिंग की बात। अब हमने डिटेलिंग पे कम, डिटेलिंग हमने क्यों करी और कहां क्यों किस तरह हम गए, डिटेलिंग के लिए हमने फर्दर हर कॉलम को और हर रो को डिवाइड करना है जहां पे हमें जरूरत होगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें जरूरत कहाँ है,
सपोज अगर मैं टॉप पे आ जाता हूँ और टॉप से हम टॉप से देखते हैं, टॉप पे अगर आप देखें तो टॉप पे ये बाल जो है कहाँ पे एंड हो रहे हैं, आपका जो हेड है ये कहाँ पे एंड हो रहा है, ये अगर मैं इसका वन का सेंटर करता हूँ, सबसे पहले मैंने सेंटर वाली लाइन ड्रॉ करी तो देखा कि सेंटर की जो ये लाइन है इसको हाफ किया, सही है, 1 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर का हाफ होगा 1 सेंटीमीटर, लेफ्ट पे भी किया राइट पे भी किया, सही थी, और लाइन ड्रॉ कर दी। कहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, फुल नहीं करी क्योंकि हमें सिर्फ इस पार्ट को फोकस करना था, इस वाले पार्ट को, तो हमें फुल लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ से यहाँ तक की ड्रॉ करी। और आइडिया पता ये चला जी, हाफ सेंटीमीटर इसको हाफ करने के बाद भी ये इससे ऊपर चला गया है, यहाँ से ये मूवमेंट हो रही है इसकी, तो ये कितना ऊपर गया है, तो हम इसका जो हाफ हुआ हुआ है उस हाफ का हाफ करेंगे, सही है जी, समझ आ रहा है ना, यहाँ पे समझ आ रहा है ना बेटा। ओके, अगर नहीं समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा, मैंने ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर कर लूंगा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग मैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बना रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर नजर भी आए, सही है जी। अच्छा, हमने 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 क्या किया, हमने स्केल को अगेन यूं रखा और 7 से इसको मैंने 7 और किसी भी नंबर पे एडजस्ट कर लें, वो डजन मैटर, मैंने इसका हाफ मार्क कर दिया 7 और 9 8, सही है जी। और 7 और 8 के बीच में एक और ये देखिएगा, एक और ये सेंटर इसका दिया हुआ है, आपने इस पे मार्क कर देना है और लाइन ड्रॉ कर देनी, लेफ्ट राइट दोनों साइड पे करना है, सही है जी, और ये वाली लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये वाली जो लाइन है इस लाइन को टच नहीं किया है इसने, ये देख रहे हैं ये जो एंड है, ये वाली लाइन जो है एंड की लाइन, ये इसको टच नहीं कर रही है, थोड़ा सा पहले ही है, ओके यहां पर ओके है। ओके, अब हम 2 में आते हैं, रॉ नंबर 2, रॉ नंबर 2 में अगर हम देखते हैं तो रॉ नंबर 2 में हमने सिर्फ हाफ किया है, सिर्फ एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी, उसको और डिटेलिंग में नहीं गए क्योंकि यहाँ पर जो इनके बाल जो जहाँ पर बाल स्टार्ट हुए में ये वाला एरिया ये तकरीबन 2 के आसपास ही है जी। और इसके बाद फिर हम आ जाते हैं 3 पे, 3 पे हमें जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसको हम मार्क करें, ये वाला पार्ट आ जाता है लेकिन इस पार्ट की जरूरत इतनी ऐसे नहीं है, सही है जी। ओके, अब हम आते हैं कॉलम नंबर रॉ नंबर 4 पे, 4 में हमें आईब्रो में है, 4 कॉलम में कॉलम नंबर 4 पे आईब्रो आ रही है, सही है जी, आईब्रो आ रही है। और अगर मैं इसको स्केल रख देता हूं ताकि आपको प्रॉपर नजर आए, तो आप देखिएगा मैंने इसको हाफ किया है और हाफ करने के बाद पता चला जी इस हाफ से आईब्रो नीचे है, सही है, तो मैंने नीचे वाला जो पार्ट है इसका उसको भी और हाफ कर दिया है, जैसे हमने यहां किया था, ऊपर वाले को हाफ नहीं किया है हमने, इसको हाफ किया, सेम टेक्निक यूज करी है जी, डॉट्स मार्क करके, यहां पर भी मैंने मार्क कर दिया। अब हम आए रॉ रॉ नंबर 5 में, 5 में हमारे पास आईज भी हैं और आपके जो ग्लासेस हैं वो ग्लासेस भी आए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर जी यहाँ पर आपको तीनों फर्दर डिवाइड करके और डिवाइड करना होगा, पहले 5 को हाफ में डिवाइड करेंगी, देन फिर दोनों उसके पार्ट लेफ्ट और राइट वाला जो पार्ट है या टॉप और बॉटम वाला, उन दोनों को और डिवाइड करेंगी, हाफ करेंगे और फुल, तो यहाँ पे स्मॉल बॉक्सेस बन जाएंगे आपके पास, समझ आ रहा है ना। अच्छा, थोड़ा सा नहीं आ रहा है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए यहां पर भी हमने वही किया काम, मैंने स्केल को वापस इसी तरीके से रखा, स्केल को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 10 पे एडजस्ट कर लिया, 10 पे एडजस्ट करके 10 और 12,
जी इन जगह पे एडजस्ट करके मैंने 11 मार्क किया, फिर 10 और 11 के बीच में इसका हाफ वो भी मार्क किया, 11 और 12 के बीच में वो भी हाफ मार्क किया, लेफ्ट पे कर दिया है, राइट पे भी यही काम करूंगा मैं। सही है जी, और डॉट्स को मैच करके मैं लाइंस ड्रॉ कर दूंगा। लाइंस क्यों ड्रॉ करें यहां पर? ये इसलिए करें क्योंकि यहां पर अगर हम इनको आपके इस फेस को हम ये देखते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें एलिमेंट्स कितने आप देखें, रॉ नंबर 5 के अंदर मैं स्केल रखता हूं तो आपको रॉ नंबर 5 नजर आ जाएगा। ये मैंने स्केल रखा, सही है जी, और पेपर भी यहां पर रख लेता हूं तो आपको आपको आइडिया हो जाएगा, रॉ नंबर 5 आपको नजर आ रहा होगा सर अभी। सही है जी, रॉ नंबर 5 नजर आ रही है आपको। अब इस रॉ नंबर 5 के अंदर आपके पास आपकी ग्लासेस भी आ रहे हैं, आपकी आईज भी आ रही हैं, ये सारे पार्ट्स आ रहे हैं। सही है जी, तो आपको इसके लिए डिटेलिंग चाहिए कि आपको मालूम हो कि किस बॉक्स से, किस बॉक्स पे जो लाइन मूव हो रही है वो किस साइड पे मूव हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, स्ट्रेट जा रही है। सही है जी, क्लियर क्लियर है, श्योर कर लेंगी ना? अच्छा, उसके बाद मैं फिर आया रॉ नंबर 6 के अंदर। रॉ नंबर 6 के साथ भी मैंने वही काम किया जो रॉ नंबर 5 के साथ किया था। सही है जी, ओके। रॉ नंबर 7 पे आ जाएं। रॉ नंबर 7 पे हमने पहले इसका हाफ किया, सबसे पहले हाफ करना है आपने, रॉ को हाफ करेंगे आप। सही है, रॉ को आपने हाफ किया और हाफ करने के बाद आपको आइडिया होगा कि इनकी नोज कहाँ खत्म हो रही है, इनकी नोज जो है ना, इसको मुझे और हाफ करने की जरूरत है। 7 का जो हाफ किया हुआ है उसका अपर वाला पार्ट भी और लोअर वाला पार्ट भी, लिप्स के लिए मैंने इसको फर्दर डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पर मैंने लाइंस पूरी ड्रॉ नहीं करी। करना चाहें तो आप कर सकती हैं, लेकिन बेटर कि आप ना करें, बहुत ज़्यादा बॉक्सेस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बॉक्सेस हो जाते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सही जी, अच्छा, उसके बाद फिर आप देखें हम चिन की तरफ जब मूव हुए हैं तो रॉ नंबर 8 में आए हैं। रॉ नंबर 8 में ये जो यहां पर कर्व आ रहा है, इस कर्व के लिए मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ी। इसको मैं फुल भी कर सकता था, आप फुल भी करना चाहें फुल भी कर सकती हैं आप इसको। सही है, इसको फुल कर देते हैं। यहां पर भी चिन ये जो कर्व आ रहा है चिन का, तो ये कान खत्म हो रहा है और ये चिन की तरफ मूव हो रहा है, तो इसके लिए हमने इसको हाफ किया और फर्दर और डिवाइड नहीं किया क्योंकि डिटेलिंग नहीं है यहाँ पर और कुछ। सही है, अब हम 8 के बाद 9 पे आए। अच्छा, ये 8 तक क्लियर है ना? जी 8 तक क्लियर है ना बेटा? आपको समझ आ रहा है ना 8 तक मैंने जो समझाया रॉ नंबर 8? गुड, अच्छा जी, अब हम रॉ नंबर 9 पे आए। रॉ नंबर 9 पे भी हमने यही काम किया, इसका हाफ मार्क किया, लेफ्ट पे भी राइट पे भी लाइन ड्रॉ करी, तो हमें पता चला जी चिन जो है वो थोड़ी सी ऊपर से मूव हुई है, ये जो राउंड आया चिन का ये लाइन को टच नहीं किया इस लाइन को, तो हमने इसको फर्दर और हाफ कर दिया ताकि इसकी 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 जो इसका मूवमेंट है ये हमें मालूम हो कि ये कहाँ से राउंड शेप जो आ रहा है ये कहाँ से राउंड हो रहा है। ओके, नीचे वाले पार्ट को मैंने नहीं किया क्योंकि नीचे वाले पार्ट में कोई एलिमेंट इतना खास नहीं था, वो कवर हो जाएगा। ओके, 10 पे आए, 10 को भी हमने फर्दर इसी तरीके से हाफ किया। 10 को भी मैंने हाफ किया, 10 को हाफ इसलिए किया ताकि मुझे आइडिया हो कि आपकी टाई जो है वो कहाँ पे एंड हो रही है, ये स्टार्टिंग कहाँ से है टाई की, और कॉलर की, कॉलर जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉलर का यहाँ पर जो ये कर्व आया हुआ है ये कॉलर कहाँ से वापस ऊपर की तरफ जा रहा है।
सही है जी। अच्छा 10 के बाद फिर हम 11 पे आए, तो 11 पे भी हमने इसको हाफ किया ताकि कॉलर का ये आइडिया हो जाए कि कॉलर कहाँ पे एंड हो रहा है। तो पता चला जी 11 का जो हाफ है इस हाफ के नीचे से कर्व आ रहा है, ये जो आ रहा है एंड कॉलर जो एंड हुआ है ये नीचे से हुआ है, इस लाइन के नीचे से है। डन। अच्छा गुड। अच्छा अब हम आएंगे इसको, हमने रॉस को कर लिया, अब हम करेंगे कॉलम्स को। अब हम कॉलम को जब हमने फर्दर हमने करना है तो कॉलम के लिए हमने स्केल को यूं रखना है और सारे आपके तकरीबन सारे कॉलम्स जो हैं 3 में डिवाइड हुए हैं। सही है जी। देखें 1 2 3 1 2 3, यानी कि हाफ किया, हाफ का हाफ किया, फिर उसका भी हाफ किया है सब में। सही है, सबको मैंने मार्क किया हुआ है। अगर आप ये डॉट्स देख रही हैं और ये लाइन के ऊपर नहीं है डॉट्स, सही है, ताकि आपका डॉट कंफर्म हो। आपने अगर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे तो फिर ये आगे पीछे हो जाएगा। इसी तरह मैंने टॉप पे किया, ये सारी लाइंस मैंने टॉप पे बनाए डॉट्स, टॉप पे या बॉटम पे, ये इस फेस के पास यहाँ नहीं बनने चाहिए डॉट्स, यहाँ डॉट्स नहीं बनने चाहिए, यहाँ डॉट नहीं बनने चाहिए। सही है, आपने जो डॉट मार्क करना है वो बिल्कुल बॉटम पे करना है या टॉप पे करना है, कॉर्नर पे करना है। ओके देन फिर हमने इसकी डिटेलिंग अब इस तरीके से दी कि अब हम कॉलम नंबर 7 के अंदर आए, 7 का हाफ किया तो हमें आइडिया हुआ कान जो है 7 से आगे है, लेकिन 7 और 8 की लाइन को, ये सेंटर लाइन जो 7 और 8 का जो सेंटर लाइन है, इस लाइन को टच नहीं किया, तो हमने 7 का फर्दर और हाफ किया। इसी तरीके से हम ये वाला पार्ट भी हमने हाफ किया। फर्दर हम अगर 6 में जाते हैं तो 6 भी हमने सिर्फ इतना सा मार्क किया हुआ है, सिर्फ ग्लास के लिए कि आपकी जो आपके जो ग्लास का फ्रेम है ये फ्रेम का हमें आइडिया हो जाए। 6 का सेंटर लाइन भी ड्रॉ हुई हुई है, अगेन ये सेंटर लाइन इसीलिए ड्रॉ हुई हुई है ताकि आपको ये आइडिया हो कि ये जो कान के पास से मूवमेंट है ये बॉक्स के कितने से कौन से पार्ट से मूव हो रहा है। ये आईब्रो आपकी आईब्रो को कवर करेगा, ये आपके बालों को कवर कर रहा है। देखें ये बाल जो मूव हो रहे हैं यहाँ से, ये मूव जो हुए हैं ये इस पार्ट को, इस वाले कॉर्नर को टच किया इसने। ये किस कॉर्नर को टच किया? 4 का सेंटर और 6 का सेंटर। सही है जी। ऑटोमेटिक ये सेंटर आ गया, तो इस ये यहाँ पर आके सेंटर को मार्क कर ये लाइन नीचे आ रही है, इसलिए हमने ये डिटेलिंग दे रहे हैं। इसी तरीके से हमने आइज के लिए हमने इसको फर्दर डिवाइड किया, नोज के लिए डिवाइड किया, आइज के लिए डिवाइड किया, फिर यहाँ पर भी आपके डिवाइड कर दिया। तो ये चीज़ समझ आ गई है।